आम लोगों से ऑनलाइन ठगी या फर्जीवाड़ी की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन अगर कोई तेज तर्रार आईपीएस किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना, तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर। हम बात कर रहे हैं यूपी की महिला ऑफिसर और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर की, जो शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुए। उन्होंने जिस व्यक्ति को आईआरएस अधिकारी समझकर शादी की, असल में वो एक ठग निकला। आखिर दूसरों को ठगी से बचाने वाली और दूसरों की सुरक्षा करने वाली महिला पुलिस अधिकारी खुद किस तरह ठगी का शिकार हो गई, इसकी कहानी कुछ यूं है। दरअसल पीसीएस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर मेट्रोमोनियल साइट के जरिए रोहित राज नाम के एक युवक के संपर्क में आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित राज ने ये दावा किया कि वो 2008 बैच का आईआरएस अधिकारी और उसने अपनी पोस्टिंग रांची में कमिश्नर के तौर पर बताई। हालांकि श्रेष्ठा ने उस व्यक्ति के दावे को कंफर्म करने के लिए उसे वेरीफाई भी किया। हकीकत में रोहित राज नाम के अधिकारी की रांची में पोस्टिंग थी। ठग ने एक जैसे नाम होने की वजह से रोहित राज के नाम का फायदा उठाया। रोहित मूल रूप से बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है। श्रेष्ठा ने रोहित राज के प्रोफाइल को खंगाल कर पूरी तरह से तसल्ली कर ली और परिवार वालों की रजामंदी से 2018 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ठग की हकीकत श्रेष्ठा के सामने खुल गई। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद श्रेष्ठा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित राज ना तो कोई आईआरएस अधिकारी था और ना ही रांची में उसकी पोस्टिंग थी। खुद के ठगे जाने और अपने साथ हुए फर्जीवाड़े की पूरी कलाई खुलने के बाद भी श्रेष्ठा आम भारतीय महिलाओं की तरह शादी को बचाने के लिए शुरू में चुप रही। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो ठग पत्नी श्रेष्ठा ठाकुर के नाम पर लोगों को डराने धमकाने लगा और पैसों की वसूली करने लगा। धीरे धीरे इसकी शिकायत श्रेष्ठा तक पहुंची। श्रेष्ठा की पोस्टिंग जहां भी होती, धोखेबाज आदमी वहां भी पहुंच जाता और पत्नी का रौब दिखाकर लोगों से वसूली करता। उसके फर्जी पति ने श्रेष्ठा के अकाउंट से 15 लाख रुपए भी निकाल लिए, जो उसने लखनऊ में प्लॉट खरीदने के नाम पर लिए। पानी सिर से ऊपर गुजरने के बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने शादी के 2 साल बाद रोहित राज से तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी रोहित राज की हरकतें नहीं रुकी। वो पूर्व पत्नी का धौंस दिखाकर लोगों को ठगता रहा। जब ये बात श्रेष्ठा ठाकुर तक पहुंची तो उन्होंने गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में अपने पति पर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रेष्ठा ठाकुर ने पूर्व पति रोहित राज सिंह, ससुर वकील शरण सिंह और रोहित के भाई संजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीसीएस अधिकारी श्रेष्ठा ठाकुर अभी शामली में तैनात है। 2012 में परीक्षा पास करने के बाद वो डीएसपी बनी। श्रेष्ठा के पुलिस में आने के पीछे एक प्रेरणा है। उन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कानपुर से की। इस दौरान उन्होंने देखा कि राह चलते मनचलों से उनसे छेड़खानी की। उन्होंने पुलिस से इस बात की शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना से श्रेष्ठा ठाकुर के मन में पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर वो महिला अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। श्रेष्ठा ने कड़ी मेहनत से अपना ये सपना पूरा कर लिया। तुरंत केस को सुलझाने और फटाफट एक्शन लेने की वजह से देखते ही देखते श्रेष्ठा की गिनती राज्य के तेज तर्रार और सुलझी हुई पुलिस अधिकारी के तौर पर होने लगी थी। वो जब बुलंदशहर के सयाने में तैनात थी, उस दौरान श्रेष्ठा ने एक बीजेपी नेता का बिना हेलमेट पर चालान कर दिया था। इस मामले में बुलंदशहर में कचहरी के सामने बीजेपी नेताओं और श्रेष्ठा ठाकुर के बीच झड़प भी हो गई। इस गहमा गहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मुद्दे की गूंज राजधानी लखनऊ तक जा पहुंची। इसके बाद श्रेष्ठा ठाकुर का तबादला बहराइच में कर दिया गया। हालांकि श्रेष्ठा ना रुकना जानती थी और ना ही झुकना। वो लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों और शहदों पर ऐसे एक्शन लेने लगी कि उन्हें लेडी सिंघम कहा जाने लगा। श्रेष्ठा ठाकुर अपनी पोस्टिंग वाले जिलों में महिलाओं की सुरक्षा पर खासा ध्यान रखती है। वो लड़कियों को शारीरिक तौर पर मजबूत करने के लिए उन्हें ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी देती है। कहा जाता है कि जिस जिले में उनकी तैनाती होती है, वहां के अपराधी वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। हालांकि इससे विडंबना ही कह सकते हैं कि जिस श्रेष्ठा ठाकुर के नाम के डर से तड़ी पार हो जाया करते थे, उसी श्रेष्ठा के घर में उनका पति बनकर एक अपराधी रह रहा था, जिसने उन्हें मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर प्रताड़ना दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।